ठीक है और उसमें बोला है की उसके अंदर कितने छोटे क्यूब्स फिट हो सकते हैं जिनका सेंटीमी सिक्स सेंटीमीटर इज वन साइड ओके क्यूब कितने डाल सकते हैं तो ध्यान से देखिए बेटा जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा चाहे सिलेंडर और क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड और क्यूब हो या कुछ भी ऐसा वाला हो एक चीज याद रखेगा हमें दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है टू गेट द नंबर ऑफ क्यूब्स टू गेट द नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ओके देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स जितने भी सारी हमारी क्यूब्स हैं उन सबका एडिशन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नॉ वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इन टू नंबर ऑफ क्यूब्स वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका मतलब यही हुआ ना सो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज एल क्यूब अगर हम एल ले ले लेते हैं एंड नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू एल इंटू बीटू एच सिक्स क्यूब इंट नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू सिक्सटी इंटू फिफ्टी फोर इंटू थर्टी सो नंबर ऑफ क्यूब्स इंटू टू वन सिक्स इंटू सिक्स इज इक्वल टू सिक्स आप इसको सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स ही रखिए बल्कि वो ज्यादा बेटर है उसमें आपको ईजी होगा कट करना Now we will get 6 into 6 into सिक्स How will you cut it? ये बन जाएगा टेन ये सिक्स से ये कार्ड दो और ये सिक्स से ये कार्ड दो So we have टेन into नाइन into फाइव हमारा answer आ जाएगा फिफ्टी नाइन सर फोर फिफ्टी वॉट विल बी दंसर नंबर ऑफ क्यूब्स तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा नंबर ऑफ क्यूब्स का कोई यूनिट नहीं होता ओके बेटा सो दिस इज हाउ विल डू क्वेश्चन नंबर फोर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है फाइंड द हाइट ऑफ दिलेंडर इज वन पॉइंट फाइव फोर मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज वन फोर्टी द बेस का मतलब हो गया हम रेडियस निकाल लेंगे उससे राइट सो वी नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच ना वन पॉइंट फाइव फोर मीटर क्यूब इज इक्वल टू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू सेवेंटी बाय हंड्रेड मीटर मैंने हंड्रेड से डिवाइड क्यों किया यहां पे ध्यान रखिए यहां पर ही देख लो हम इसको सेंटीमीटर से हमें मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि यहां हमें मीटर दिया है तो इसे डिवाइड कर दो 100 से ये यह यहां पे मीटर लिख दो तो ये इसलिए 70 बाय 100 मीटर आएगा आर ठीक है और स्क्वायर है दो बार आएगा एंड विल सॉल्व इट एच इज इक्वल टू वन मीटर विल बी दी आंसर ओके चल